यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है बिग वन बर्ड सेंचुरी का, यहीं से आपको राइट लेना है। फोन बिल पहले मिलती है, पिंटरेस्ट और थोड़े नजदीक से दिखा। अच्छा। और सिर्फ घास ही खा खाते हैं। पंख के अंदर उसकी गर्दन और चुपा देते और एक पैर पे सो जाते वो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज शुगर एंड स्पाइसी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम जा रहे हैं एक न्यू एडवेंचर पे, बहुत ही सुंदर प्लेस है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, बट इट्स स्टिल पिट डार्क, सो लेट्स सी। सो आज के व्लॉग में हमारे साथ है शशि, हाय, और है तरुण। सो ये तो डिफॉल्ट है, कुछ पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं और शशि गायब थे बिकॉज ये सोलो ट्रिप पे निकला था, बट इस बार हम ही है जो व्लॉग चलाएंगे। ये एक्चुअली मैं सोलो ट्रिप पे गया था उत्तराखंड, इसलिए इन्होंने बोला अब मैं व्लॉग में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे आने वाले 2-4 व्लॉग्स में ये दोनों ही बोलने वाले हैं। सो आज के लिए ये साइड एक्टर है गाइस, फोटोग्राफर प्लस वीडियोग्राफर प्लस ड्राइवर प्लस प्लस हमारा ऑफिस बॉय प्लस हमारा कंडक्टर, हमारा गाइड, टूरिस्ट, सब यही है। पुणे से बिग वन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये एक छोटा सा गांव है जो अहमदनगर, पुणे और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आता है। बिग वन इज वेरी फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग, स्पेशली फ्लेमिंगोस एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। यहाँ पे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन मच्छी थाली भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हम आगे जाके ट्राई करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। रोड्स काफी अच्छे हैं क्योंकि हम सोलापुर हाईवे से जाने वाले हैं। अगेन सोलापुर हाईवे बहुत अच्छा, जहाँ से हमने अष्टविनायक दर्शन की स्टार्ट की थी। सो लेट्स गो गाइस, आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। सुबह के टाइम और शाम के टाइम का मौसम बहुत ही प्लेजेंट रहता है, तो वी विल सजेस्ट यू कि आप सुबह ही जाइए ताकि आपको ट्रैफिक भी ना मिले और आप आराम से बिग वन पहुंच सके। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे धूप और गर्मी भी बढ़ती है, अर्ली मॉर्निंग निकल के आप सनराइज भी एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग यहाँ रुके हैं चौफुला के पास और हम बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज देख रहे हैं। ये हाय शशि, ये है तरुण, आज का हमारा फोटोग्राफर। वाओ, ये अच्छा है रे। या हमारा फोटोग्राफर एक्सपेरिमेंट करते हूँ, सीख रहे हैं हम नए नए अभी इसमें। नया तो ये आगे जो है ये दोनों रास्ते हैं, यहाँ से आप राइट में भी रास्ता देख रहे हो और सामने से भी रास्ता है, तो दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं और दोनों का ETA जो सिमिलर है, लेकिन मैं हाईवे से ही ले रहा हूँ क्योंकि रोड्स अच्छे हैं और वहाँ पे जो है वो सर्विस रोड है। सो हम यहाँ से राइट लेंगे और अभी बिग वन यहाँ से सिर्फ 8-10 किलोमीटर बचा है, तो हम आगे जाके आपको दिखाते हैं रूट कैसा है। ये जो है ये सोलापुर हाईवे है और अभी हमको सोलापुर हाईवे से सर्विस रोड पे लेना होगा और फिर वहाँ से लेफ्ट मिलेगा, तो हम अभी एग्जिट ही ढूंढ रहे हैं। आगे 10-20 मीटर पे एग्जिट है, ये एग्जिट हमें गांव से लेके जाएगा, तो इसलिए आप स्ट्रेट जाके एक बड़ा चौक आएगा वहाँ से भी लेफ्ट ले सकते हैं। सो जो सामने एग्जिट दिख रहा है आपको, यहीं से एग्जिट लेके हमें आगे एक लेफ्ट टर्न है वो लेना है। सो हमने अभी एग्जिट ले लिया है, यहाँ से ही लेफ्ट है। वैसे आप आगे से जाके भी एक और लेफ्ट आ सकता था, लेकिन हम लोग अभी यहीं से लेंगे। अभी इधर से राइट बता रहा है बट गाड़ी चाहिए कि नहीं, गाड़ी तो चाहिए, गलत तो नहीं आ गया। यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है बिग वन बर्ड सेंचुरी का, यहीं से आपको राइट लेना है। सो रास्ता जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और आगे जाके वो चौक पे एक बोर्ड लगा है बर्ड सेंचुरी का और वहीं से आपको राइट लेके सीधा गांव के रास्ते से होके जाना है। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है
और अभी जा रहे हैं सीधा बिग वन बर्ड सेंचुरी की तरफ। जगह जगह पे ये रास्ते पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये रास्ता थोड़ा गांव से होके जाता है इसलिए थोड़ा खराब है। आगे जाके जो है हम आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। सो गाइस हमको तो आगे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेड एंड है, पता नहीं हम कहाँ आ गए। डायरेक्ट पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाएंगे ऐसा लग रहा है, बट गूगल मैप्स भी यही से रास्ता दिखा रहा है। एक्चुअली रास्ता गाँव से ही है और यहाँ पे एक पतली सी गली जैसी है। ये मंदिर है गाइस, यहाँ पे ये मंदिर के बाजू से ही ये रास्ता जाता है। मंदिर से लेके बर्ड सेंचुरी के एंट्री पॉइंट तक 1-2 किलोमीटर का जो पैच है वो पूरा ऑफ रोड है, थोड़ा खराब है, थोड़े से गड्ढे हैं बीच में और पूरे रास्ते पे कोई भी शॉप या वॉशरूम का अरेंजमेंट नहीं है। पीछे राइडर लोग भी हैं, पीछे घूम सकते हैं। ओह माय गॉड, मुझे गॉड पर हो गया। इधर इधर डाल दी था ना तो यही रास्ता है बिग वन बर्ड सेंचुरी के लिए। ये रास्ता काफी नैरो है और यहाँ से एक ही गाड़ी निकल सकती है। यहाँ पे दो स्पॉट्स हैं गाइस, पहले एक राइट साइड में ही था बट वहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और उसने ही बोला कि आगे जाके काफी गर्दी है और रोड्स और भी नैरो है, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इस रोड के दोनों तरफ आपको खेत और उज्जैनी डैम का बैक वाटर का व्यू देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए बिग वन बर्ड सेंचुरी में। हम लोग आते ही मेरे फेवरेट बायनोकुलर्स से देखने लग गए। ट्रस्ट मी गाइस, ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत ही सुंदर बर्ड्स है आजू बाजू। यहाँ पे सीनरी अगर देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो गोप्रो जस्टिस कर रहा है या नहीं, बट जो हम लोग देख पा रहे हैं इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल ग्रीनरी, एकदम ठंडी ठंडी हवा और सनराइज एंड ब्यूटिफुल बर्ड्स चर्पिंग साउंड्स। इट्स ऑल इन ऑल परफेक्ट परफेक्ट मॉर्निंग। सो बिग वन बर्ड सेंचुरी में बहुत सारी बर्ड्स जो है वो माइग्रेट होके आती है और बहुत सारी जो बर्ड्स है जो यू नो लॉन्ग ट्रैवल करती है वो यहाँ पे आके हॉल्ट करती है, रुकते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डक्स है, स्वैन्स है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं विंटर के सीजन में। सो बेस्ट सीजन जो है यहाँ पे आने का वो है दिसंबर टू मार्च, जो कि ठंडियों का सीजन रहता है जब बर्ड्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देंगे। अभी हम बोट से जाने वाले हैं ये पूरे बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए और बोट में जाके जब हम देखेंगे यू नो बर्ड्स बहुत पास से देखने वाले हैं, फोटोज क्लिक करने वाले हैं, व्लॉग करने वाले हैं, डिटेल्स निकालने वाले सारी और फ्लेमिंगोस भी देखने वाले हैं। सो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन और पूरा बिग वन बर्ड सेंचुरी का टूर होने वाला है। सो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिग वन बर्ड सेंचुरी भीमा नदी पे बनी उज्जैनी डैम के बैक वाटर्स पे है। ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है बर्ड वॉचिंग के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। यहाँ पे आपको बहुत तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग फ्लेमिंगोस, पेंटेड स्टॉर्क्स, बार हेडेड गीज एंड कई तरह के वेडर्स एंड वाटरफाउल। तर तुम्हाला ओपन बिल स्टॉर्क पाहायला मिळतील, नॉर्दर्न शाउल डक पाहायला मिळतील, स्पून बिल पाहायला मिळतील, पेंटेड स्टॉर्क, त्यानंतर अजून खूप सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आहेत। फ्लेमिंगोज आलेले का? फ्लेमिंगो आले आता। अच्छा किती आहे आता? 26 जानेवारी म्हणून आता खूप गर्दी आहे, त्याच्यामुळे काय होते फ्लेमिंगोच्या ग्रुप जो बोट गेल्यानंतर फ्लेमिंग उडून जाते, त्यामुळे आता जास्तीत जास्त 10-12 फ्लेमिंगो पाहायला मिळत आहेत। मॉर्निंगची फर्स्ट राईड जे गेले होते त्यांना 100-150 आसपास ग्रुप पाहायला मिळाला होता। सकाळी का? किती वाजता? ते 6 वाजता आलते, 6:30 गेलते आतमध्ये। काय रेट आहे बोटचा आपला? बोटचा पर्सनल बोटचा 1000 रुपये पर बोट चार्जेस आहे। एका बोट मध्ये 6 जण जाऊ शकतात। अच्छा, शेअरिंग मध्ये 750
काय नाव तुमचं? अनिकेत. अनिकेत, तुम्हाला कॉल केलं तर बुकिंग होतं का? हो, म्हणजे मला नाही पण स्वप्नील जे मेन आमचे इन्चार्ज आहेत त्यांना कॉल केल्यानंतर बुकिंग होऊन जात. अच्छा, त्यांचा नंबर द्या मला. हो, यहाँ पे लिमिटेड बोट्स है उनकी, सो इट्स गुड दैट यू कम एंड सबसे पहले आप जाके वहाँ पे बुक करो एंड राइट योर नेम. सो आपको ऑप्शंस मिलते हैं एक प्राइवेट एंड और एक शेयरिंग बोट. सो प्राइवेट में इट्स लाइक 1000 रुपीज चार्जेस और अगर शेयरिंग लेते हो तो 750. इट्स बेटर कि आप नाम लिखवा लो एंड वो नंबर पे आपको फिर भेजते हैं. सो इट्स 1-1.5 hour का टूर. सो गाइस, अभी हमने नंबर लगवा दिया वहाँ पे और एक दो बोट के बाद ही हमारा नंबर है. हम अभी अंदर जाने वाले हैं, पूरा टूर करने वाले हैं. सो जब तक आपका नंबर आता है आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ वीडियोस क्लिक कर सकते हो. आप देख सकते हो कि पीछे पूरा पानी, बोट और पूरा ओपन एरिया है. यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फोटोज़ आएगी. सो आप फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, हमारे नंबर के आने का वेट कर रहे हैं. पीक टाइम क्या है? नवंबर से स्टार्ट होते आने के लिए. नवंबर से? हाँ, अलग अलग माइग्रेटिंग बर्ड्स नवंबर से स्टार्ट होते आने के लिए इधर. अच्छा, ये इंडियन पाउंड हेरॉन है. क्या है ये? देखे पाउंड हेरॉन. पाउंड हेरा, वाओ. ये आपको किधर भी दिखाई देगा, खेती में इधर किधर भी दिखाई. हाँ, आपको पुणे में भी दिखाई देगा. हाँ, कहाँ पानी साटा हुआ रहता है ना. हाँ, वहीं पे दिखाई देगा. ये देखो ईग्रेट, लिटल ईग्रेट है. वहाँ एक बड़ा वाला देखे, ऑरेंज चोच वाला है. पेंटेस्टोर का फेदर है ना? पेंटेस्टोर चित्र बलक कहते हैं उसको. अच्छा, वहाँ अंदर से पूरा कलरफुल रहता है. ओ, उसके पिंक फेदर है ना? हाँ, पिंक कलर का फेदर है ना? हाँ, उसके अंदर भी कलर बहुत रहते हैं. हाँ, उसके पंख के अंदर भी कलर रहते हैं. अच्छा, लिटल कॉर्मोरेंट पान का हुआ. ये देखो ब्लैक वाला है ना. अच्छा, लिटल कॉर्मोरेंट पान का हुआ. जो ग्रे वाले बेटे इधर. हाँ, तीन चार ये देखो. हाँ, ग्रे हेरॉन है. हाँ, राखी बगला. अच्छा, ग्रे हेरॉन. तरुण आज फोटोग्राफी करने वाला है और शशि हमारा गोप्रो पकड़ के बैठी है. कोई गाना याद आ रहा है क्या? सागर किनारे. ओ, नारियल के पेड़ जो दिख रहे हैं आपको. हाँ, वहाँ से बोटें स्टार्ट होते थे. अच्छा, बोट स्टार्ट होते. हाँ, बारिश वहाँ, में क्या? हाँ, मतलब बारिश में वहाँ तक पानी जाता है. अच्छा. हाँ, नवंबर से जब बोटिंग स्टार्ट होते है. हाँ, वहाँ से नारियल के पेड़ है ना, वहाँ से स्टार्ट होती है बोटिंग. और ये जो है ये बैक वाटर है उजली डैम का, जहाँ पे जो उजली डैम बनी हुई है भीमा नदी पे. अभी बहुत सारा पानी कम हो गया है. अभी बहुत पानी कम हो गया, बारिश कम हुई. हाँ, बारिश की वजह से पानी कम भी, बारिश भी कम हो गई, पानी भी बहुत अभी कम हो रहा है. ये भीमा नदी पे है ना? हाँ, ये भीमा नदी पे है ना. यहाँ पे देखिए छोटा विस्कल्टन बैठा है. छोटा विस्कल्टन? विस्कल्टन है. उसके आगे वो बड़ा वाला सीगल है. सीगल का? हाँ, वो देखिए वो सीगल है. ये बर्ड माइग्रेट होके कहाँ जाते हैं? अलग अलग कंट्री में निकल जाते हैं, पीछे चले जाते हैं वो. अच्छा, और कहाँ से आते हैं? ऊपर नॉर्थ साइड से. फ्लेमिंगो जो है साइबेरिया से आते हैं. अच्छा, यहाँ दूसरा है और बार है डटगी. हाँ, ये रशिया से आते हैं. अच्छा, और अलग अलग मतलब सब बर्ड्स अलग अलग कंट्री से आते हैं. हाँ, हाँ. अलग बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे. हाँ, कितने वैरायटी हो गया यहाँ? 150 से ज्यादा वैरायटी. बाप, लेकिन इसको टाइम लेना पड़ता है. हाँ, 5-6 घंटे पानी में रुक के अलग अलग, जब फोटोग्राफर आते हैं बड़े. हाँ, तो 5-6 घंटे पानी के अंदर रुकते. अच्छा, और अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स पूरे फोटोज खींच के जाते. और क्या चार्जेस है 5-6 घंटे का? 5-6 घंटे ऐसे 1000 रुपए जैसे 1 घंटे का वैसे ही. अच्छा, 5-5 घंटे के तो 5000. हाँ, ऐसे. ठीक है, लिटल कॉर्मोरेंट पान का हुआ, पानी के अंदर का है ये लिटल कॉर्मोरेंट. पानी के इसने फिश धरा हुआ है. ओ शिट, 1 सेकंड से लेट हो गया यार. यार 1 सेकंड से लेट हो गए. मैं उसमें नहीं आ रहा, बट आया था. गायब आ रहा है. वो पानी के अंदर चला गया. पानी के अंदर है बाहर. नहीं, ये रहा वो. नहीं, यहाँ पे था. ये देखो, ये देखो, इससे कितना भारी दिख रहा है यार.
अपने को पतली सी मछली ली है। चला गया, अभी नहीं आएगा। चल ले लिया, ले लिया, ले गया। हाँ कहाँ गया, उड़ गया। यहाँ देखे व्हाइट और ब्लैक है ना, जिसका सिर से आगे चोच तक देखे ब्लैक दिख रहा है, वो ब्लैक हेड आइबिस है। क्या है? ब्लैक हेड आइबिस। ब्लैक हेड आइबिस ये देखे नजक वाला ब्लैक हेड आइबिस, और उसके आगे जो है ग्रे और ब्लैक, वो ओपन बेस्ट टॉर्क, उसको शंख फड़े कहते हैं। क्या कहते? शंख फड़े, जो शंख छोटे शंख खाते हैं। वो ब्लैक हेड आइबिस है आगे वाला। देखो हाँ, और ओपन बेस्ट टॉर्क, जिसके चोच के अंदर ऐसे गैप रहता है। कहाँ है ये? देखे चोच के अंदर देख। हाँ 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 ये वाला। वाह यार, नजीक में देखिए एक ब्लैक विंस्टिल है। हाँ पान ट्यूबलिया कहते हैं इसको। ये देखो ब्लैक विंस्टिल। इधर देखिए आगे वाला, उसका सींडी के साथ फुट आना चाहिए। पीछे जो मुंड के ऊपर देखिए, उसके सिर के ऊपर सींडी कितनी बड़ी। जब उसके सींडी के साथ में फुट आएगा तो बेहतर फुट समझ। आया आया। हाँ उधर फ्लेमिंग वो खड़े हैं। इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं शशि, उधर खड़े हैं वो लोग। उधर देखो वाइट दिख रहे हैं, वो पैच के ग्रीन पैच के। सभी एक एक पैर पे सो रहे हैं। हा? एक पैर पे सोते आराम करते हैं, एक पैर पे। हाँ अगर पंख के अंदर गर्दन चुपा देते और सब उस पंख के अंदर उसकी गर्दन और चुपा देते और एक पैर पे सो जाते वो। सुबह में थे अंदर, पानी के अंदर थे वो। हाँ। खाना खा रहे थे पानी के अंदर, मजे कैसे कीचड़ उछल के। हाँ। कीचड़ में उनको खाने के लिए मिलते हैं ये पूरे सीगल। गाइस यहाँ अराउंड 15 टू 20 फ्लेमिंगोज है, बहुत पीछे। आई नो गोप्रो में तो दिखेगा नहीं, इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी। हमने बायनोक्यूलर्स लाए थे तो बायनोक्यूलर से तो बहुत सही दिख रहा है। भैया बोल रहे कि वो एक पैर पे रेस्ट करते हैं ना, वो एक पैर पे खड़े रह के रेस्ट करते हैं और ऐसा फेस डाउन करके ऐसे पंख के अंदर, पंख के अंदर ऐसा उसका जो सिर और मुंड रहते हैं, मतलब हाँ, वो गर्दन और पंख के अंदर छुपा देते हैं, छुपा देते और रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं। तीन चार फ्लेमिंगो ऐसे अलर्ट रहते हैं वो, अलर्ट रहते हैं। और जैसे ही अगर एक ने पैर रखा तो सारे ही पैर नीचे रख रहे हैं, एक ने मुंडी ऊपर किया तो सारी मुंडी ऊपर कर रहे हैं, एक ने वॉक किया तो सारी वॉक कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दे आर सो डिसिप्लिन्ड, उनको इतना देखने में मजा आ रहा है। पर वो जैसे जैसे टाइम हो रहा है, आई थिंक वो दूर दूर जा रहे हैं। सुबह में किनारे पे थे यहाँ पे। हाँ। वो अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है लोग। सुबह जल्दी आने में ही फायदा है। सुबह भैया बोल रहे थे कि सुबह आई थिंक अराउंड 100 to 150 थे जो पानी में थे, इतने क्लोज 150-200 फ्लेमिंगो थे। अब वो तो सोचो वो कितना ब्यूटीफुल होगा। ये सनसेट के टाइम आते हैं क्या ये वापस फ्लेमिंगोस? हाँ सनसेट मतलब क्या थे, अभी कोई आदमी वो कोई भैंसा भैंसा पानी के अंदर जाएगा तो उड़ा देते। अच्छा। तो यहाँ ज्यादा भी आ सकते और कम भी आ सकते, ये उड़ के भी जा सकते। अच्छा। ऐसे बोल नहीं सकता फ्लेमिंगो कि यहाँ पर अभी रुके वहाँ पे, कोई डिस्टर्ब कर नहीं कर रहा। हाँ। पर मतलब मेरा बोलना है कि सुबह में जो आते ये तो शाम में फिर से आ जाते होंगे ना, अगर थोड़ा बहुत दूर गए तो। हाँ शाम में भी आ जाते है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा भी आ जाएंगे। हाँ। और इसमें से कम भी हो जाएंगे। और जो फ्लेमिंगो हमको दिखाई दे रहे हैं, एक पिंक कलर के और एक ग्रेश कलर के। हाँ जो छोटे है ना। हाँ। वो छोटे जुनेनाइल कहते हैं उसको। हाँ। और उसके अंदर अभी इधर से तो बहुत दूर दिख रहा है, उसके बाजू में देखे थोड़े ब्लैक ग्रे वो दिख रहे है। हाँ। थोड़े थोड़े देखे उसके बाजू में ये। हाँ। के वो छोटे है, वो बच्चे है और अभी तक। अच्छा। और ये DSLR और बायनोकुलर्स भी देते हो ना? नहीं। हाँ स्वप्निल। हाँ रेंट पे। हाँ स्वप्निल के पास है पूरा बायनोकुलर और बड़ा कैमरा है ना। और हाँ, भी उसके पास। अच्छा तो देते हैं। हाँ रेंट पे।
तो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, बाइनोकुलर्स और कैमरा। अगर आपके पास नहीं है तो स्वप्निल का नंबर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको एक बार कॉल कर लेना और बोट की बुकिंग भी कर लेना, और अगर कैमरा और बाइनोकुलर्स चाहिए तो उनको पहले ही बता देना ताकि वो अरेंज करके रखे। What to tell you, I'm so happy. I mean, flamingo किसका favorite नहीं है, and I'm also obsessed with flamingos. और उसको live देखना, उनको like observe करना, उनको study करना, it is so beautiful to see and experience all that. और यहाँ पे पुणे से 100 किलोमीटर पे है, so why not guys? अगर आप पुणे में हो और यहाँ कहीं नज़दीक हो तो प्लीज़ आइए, यहाँ पे विंटर में इज़ द बेस्ट टाइम। एंड आई वुड सजेस्ट कि अर्ली मॉर्निंग आओ, इतने सारे वैरायटीज, इतने सारे बर्ड्स कहाँ देखने मिलते हैं। आई नो कि गोप्रो में आपको इतना क्लियर वीडियोस नहीं आए होंगे, बट आई थिंक विल मेक श्योर कि हम जो बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे उनका थोड़ा सा ग्लिम्स से पिक्चर्स आपको डाले, और उनका डिटेल्स, नाम जो भी है वो जितना हो सके हम आपको प्रोवाइड करें। बट ये पर्पस हमारा एक ही है कि आप यहाँ आओ, ये सब एक्सपीरियंस करो। बार हिटेड की जगह ले पूरे वाओ, बार हिटेड गिज, बार हेडेड रेंदे दर पास में, ये खोने के बाद बार हेड गुज कहते हैं, ये रहते थे ये ग्रे वाले, हाँ जो बाहर है ना किनारे पे, और जो घास खा रहे देखे, ये एक रहता है तो गिज कहते हैं, और ये ज्यादा गुज कहते हैं, ये रहता है और ज्यादा है तो गिज कहते हैं। बार हेड गेज देखे कैसे घास खा रहे, हाँ। जैसा जबरा रहते है ना, हाँ। उसके पीठ पर जैसे पट्टे रहते, व्हाइट वाले पट्टे, हाँ। वही सब पट्टे रहते उसके। सबसे ज्यादा बच्ची यहाँ पे दिखाई देते है, वैरायटी भी बहुत ज्यादा आती है यहाँ पे, हाँ। अलग अलग वैरायटी बहुत ज्यादा है, इसकी ये देखे ग्लोस आई भी देखे, वो ग्लोस आई भी देखे, वो ग्लोस आई भी इसके, हाँ पेट के ऊपर देखे ऐसे 7 कलर रहते, हाँ ले लिया, ले लिया मैंने। ये देखो यूरोशियन कुट वारकरी, जो ब्लैक वाला है ना, यहाँ देखे यूरोशियन कुट बैठा हुआ है, उसको वारकरी कहते हैं। So we brought you a best one day trip near Pune, और Big One is the best choice. Come here, share your experience with us. हमने बहुत सारी मैक्सिमम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और गाइस यहाँ पे पार्किंग का भी स्पेस काफी अच्छा है, तो आप लोग को टेंशन नहीं रहेगी कि गाड़ी कहाँ पे सेफली रखनी है। प्लस यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल है, जो आपको बोट में लेके जाते हैं, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रॉपरली, हर एक बर्ड के साथ वो टाइम स्पेंड करवाते हैं आपका अच्छे से। सो वी स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप लोग सच में यहाँ पे आइए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इंजॉय करिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखिए जो रशिया एंड अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे माइग्रेट करती हैं। सो गाइज हमें बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग, आपको इसमें से कौन सी बर्ड सबसे सुंदर लगी, हमारी पर्सनल फेवरेट तो फ्लेमिंगो ही थी। ऑफ कोर्स लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट अ मिनट। सो गाइज बिग वन के जाने के लिए जो लेफ्ट लेते हो वही पे ये होटल वैष्णवी है, ये जो ब्रिज है ना हाईवे के लिए जो राइट टर्न लेते वही से। सो गाइज अगर आप यहाँ बिग वन में आओगे तो यहाँ फिश और फिश से रिलेटेड डिशेस बहुत फेमस है। हम यहाँ आए हैं वैष्णवी करके एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे आए हैं और हमने लिया है फिश फ्राई, फिश करी और फिश मसाला, और शशि फिश नहीं खाती तो उसने चिकन लिया है। टेस्ट अच्छा है बोल रही है शशि। एक्चुअली यहाँ पे चिलापी जो फिश होती है वो बहुत फेमस है, तो आप अगर आओगे तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, विल लेट यू नो कैसा टेस्ट है। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, प्लीज़ कम एंड विजिट यार, फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, ऑल्सो चिकन भी बहुत अच्छा था।